मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है, मुझे यहाँ भूमिका निभाने का अवसर दिया गया है। 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण तारीख है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आया है। वर्षों बाद यहाँ कई परियोजनाएं शुरू हुई है, मेरी प्राथमिकता उन परियोजनाओं को आगे ले जाना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बिना किसी पक्षपात के संवैधानिक शक्तियों का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और हम समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यहां के विकास को आगे बढ़ाना है। कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले एक वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे, एक वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना, और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूँ कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा, लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जनता से सीधा संवाद हो इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।